अपना देश छोड़कर भागे राजपक्षे को मालदीव में नहीं मिली जगह। मालदीव ने गोटबाया राजपक्षे को शरण देने से किया साफ इनकार। जनता को तिल तिल मरता छोड़ भागे थे, मालदीव से ही तो थी आस। मालदीव ने मदद से कर दिया इनकार, अब कैसे सुधरेंगे राजपक्षे के हालात। श्रीलंका में अब हालात ऐसे हो गए हैं जो संभाले नहीं संभल रहे। जनता आपे से बाहर हो चुकी है और नेतृत्व के लोग जनता को तिल तिल मरता छोड़ भाग चले जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इस जहन्नुम बन चुके श्रीलंका से अपनी जान बचाकर भागा जाए। राष्ट्रपति राजपक्षे बुधवार को तड़के निकलकर वायुसेना के जहाज से भाग भी निकले। रिपोर्ट के मुताबिक गोटबाया अपनी पत्नी और बॉडीगार्ड्स के साथ मालदीव की राजधानी माले पहुंचे भी, लेकिन ये क्या, यहाँ शरण की आस थी और यही शरण देने से इनको मना कर दिया गया। मालदीव गोटाबाया राजपक्षे को पनाह नहीं दे रहा है और अब भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं गोटाबाया राजपक्षे। मालदीव के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ केवल ट्रांजिट के लिए माले पहुंचे हैं और आगे की यात्रा के लिए वो किसी और देश रवाना हो जाएंगे। वहीं श्रीलंका की जनता अपने अधिकार पाने के लिए अब हर नियम तोड़ने पर उतारू है। सब कुछ तहस नहस करने पर उतर आई है श्रीलंका की जनता। श्रीलंका में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसके बाद वहां इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अब जब गोटाबाया राजपक्षे ऐसे हालात में देश की जनता को छोड़कर भागे हैं, तो अपने लिए बहुत कुछ अच्छा होने की ज्यादा उम्मीद भी वैसे तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त उन्हें श्रीलंका की जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, उस वक्त वो इधर से उधर भागते घूम रहे हैं। इससे पहले राजपक्षे ने अमेरिका में भी शरण लेने की कोशिश की थी, वो तो अमेरिका ने शरण देने से उन्हें मना कर दिया। फिर भारत में भी उनके रुकने के कयास थे। भारत पर तो आरोप ये भी लग गए थे कि भारत ने ही राजपक्षे को भागने में मदद की है, लेकिन भारत ने गोटाबाया राजपक्षे को देश से बाहर निकलने में मदद करने संबंधी खबरों को निराधार और अटकलबाजी करार दिया है। श्रीलंका में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि जनता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हर हाल में इस्तीफा चाहती है। हजारों प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की देश की जनता को छोड़कर भागने की कायराना हरकत के पीछे मदद का हाथ मालदीव की संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उन्होंने ही गोटाबाया का स्वागत किया। दरअसल इसके पीछे की जो वजह है वो श्रीलंका और मालदीव के बीच के करीबी संबंध है। कयास ऐसे हैं कि मालदीव ने श्रीलंका से करीबी संबंध होने की वजह से ही राजपक्षे की मदद की, लेकिन अब शरण देने से मालदीव मना कर रहा है। दरअसल मोहम्मद नशीद, जिन्होंने राजपक्षे का एयरपोर्ट पर स्वागत किया, उनके श्रीलंका के लगभग सभी नेताओं से करीबी ताल्लुक है। यही नहीं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने मोहम्मद नशीद को विदेश कर्ज हासिल करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया था। श्रीलंका ने अक्सर मालदीव के निर्वासित नेताओं को शरण दी है। ठीक 10 साल पहले मोहम्मद नशीद की पत्नी और बेटियां मालदीव में भारी हिंसा होने के बाद कोलंबो भाग आई थी। राजपक्षे परिवार ने मोहम्मद नशीद के परिवार को लेकर चिंता जताई थी। यही एक सॉफ्ट कॉर्नर है नशीद और राजपक्षे के बीच में, लेकिन अब मालदीव सरकार तो शरण देने से मना कर रही है। ऐसे में क्या करेंगे राजपक्षे? अब न श्रीलंका वापस जा सकते हैं और न ही मालदीव में ही रह सकते हैं, तो कहां जाएंगे परिवार को लेकर राजपक्षे? इस पर क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।